हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको भाई दूज के दिन मिलेगा। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, हम लोग क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 का अभ्यास प्रश्न 9.4 हल कर रहे थे। हम लोगों ने प्रश्न नंबर 16 तक हल कर लिया था, आज हम प्रश्न नंबर 17 से हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपका दिया है, सिद्ध कीजिए sec थीटा माइनस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 माइनस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। यह हमारा LHS है, यह हमारा RHS है, इसको लेकर यह हमें प्रूव करना है। यहां लिखेंगे हल में दिया है LHS बराबर m को दिया है sec थीटा माइनस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे लिख देंगे। अब इसका हम कर देंगे परिमेयीकरण, यहाँ लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर इसका परिमेयीकरण कर देंगे, ये आपका हो जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा बटे में आपका रहेगा sec थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे, sec थीटा माइनस टेन थीटा बटे आपका हो जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर आप देखिए तो sec थीटा माइनस टेन थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, हर में आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में ये माइनस b, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, ऊपर आपका sec स्क्वायर sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे आपका ये माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा sec थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर, हर में आपका कितना आ जाएगा 1। यहाँ ध्यान दीजिए तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, ये आपका हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। बटे में 1 तो हमेशा लिखा रहता है, आप उसे मत लिखिए। sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका ऐसे रहेगा 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1 का आप 1 ऐसे रहने दीजिए, ये आपका है 2 sec थीटा tan थीटा, इसको आप पहले लिख दीजिए माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। अब आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर भी आपका है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है tan स्क्वायर थीटा, ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा ये 2 tan स्क्वायर थीटा, यही आपको प्रूव करना था। ये आपका हो जाएगा RHS, दैट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 18 भी हल करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 18 कैसे हल होगा। ये भी आपका सिद्ध कीजिए वाला है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर आप लिखिए हल और आप हल के तहत लिखिए दिया। यहाँ आपका क्या दे रखा है, LHS बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका आप कर दीजिए परिमेय
करण करने पर, जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आपका साइन थीटा, आप साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू यहाँ भी आपका हो जाएगा साइन थीटा। इसको आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, आप ऐसे रहने दीजिए, साइन थीटा को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, नीचे आपका साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर का जैसे लिखा आप उसको अभी वैसे रहने दीजिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो आप 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज छोड़ दीजिए, यहाँ आप इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ आप अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आप ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका है a² - b² एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a+b अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, ऊपर आपका बचेगा साइन का थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका हो जाएगा। विद्यार्थियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न नंबर 19 को हल करेंगे। ये प्रश्न भी आपका सिद्ध कीजिए वाला है, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस tan² थीटा = 1, ये आपको सिद्ध करना है, ये LHS है, ये RHS है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत इजी होता है, आपको अच्छे समझ में आएगा। हल में लिखेंगे दिया है LHS बराबर, LHS कितना दिया है 1 माइनस साइन थीटा, इसमें आपका दिया है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस होगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये आपका एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस tan² थीटा, LHS है, RHS आपको 1 सिद्ध करना है, ये आपका एक ब्रैकेट में a-b, ब्रैकेट में a+b, ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी a² - b², एक ब्रैकेट में आपका रहेगा sin θ² 1 प्लस tan² थीटा आपका क्या होता है sec² थीटा, यह हो जाएगा sec² थीटा। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस sin² थीटा sec² थीटा, ऐसे रहने दो। 1 माइनस sin² थीटा आपका क्या होता है cos² थीटा, और ये आपका रहेगा sec² थीटा। cos² थीटा sec² थीटा को लिख सकते हो 1/cos² थीटा, cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 1, यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका हो जाएगा RHS। आइए अब प्रश्न नंबर 20 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है 1 माइनस cot² थीटा अपान में दिया है tan² θ - 1 = cot² θ, आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे आप लिखिए हल में दिया है LHS बराबर 1 माइनस cot² θ अपान में दिया है आपका tan² θ - 1। 1 को आप ऐसे रहने दीजिए, -cot² θ को आप क्या लिख सकते हो cos² θ, अपान में आप लिख सकते हो sin² θ। इसी प्रकार आप नीचे इसको चेंज करिए, tan² θ को आप लिख सकते हो
साइन स्क्वायर थीटा पान में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ पे आप हर समान के लिए इधर गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में आपका रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इधर गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन से होगा कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान में आपका रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे आपका हो जाएगा ये कैंसिल आउट और बटे का बट्टा आप ऊपर चला जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा आपका होता है कॉट थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग जाएगा का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका हो जाएगा आरएचएस। विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।